केले तो फ्रेंड्स आपने अक्सर बनाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरीके से बनाई हैं? अगर आपके हाथों से कड़वे करेले बनते हैं तो ये रेसिपी को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लिए हैं ये 500 ग्राम करेले, जिनको मैंने धो करके अच्छे तरीके से कट कर लिया। देखिए गोल शेप में मैंने कट किया है। इसी के साथ 4 से 5 प्याज ली है, 3 से 4 हरी मिर्च ली है। करेलों को आप जब भी कभी बनाएं तो हमेशा सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े चमचे भर करके मैंने डाला है तेल। सरसों का तेल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन देखिए मैं ज़्यादा भी नहीं डालूँगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो करेले हमने काट के रखे हुए थे ना, वो तेल के अंदर डाल देंगे और इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय अगर ये कड़वे लगते हैं तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा, करेले के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा, ये जब तेल में फ्राई होंगे ना तो इनका कड़वापन जो है ना वो निकल जाएगा, मतलब ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करेले अक्सर आप बनाते हो, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा इस तरीके से। जब ये हल्के फ्राई हो जाएंगे, देखिए ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, मतलब हल्का सा कड़वापन निकालना है इनका, और बस ये देखने में बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जला दिए, वो नहीं होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब ये फ्राई हो जाएंगे ना, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने फ्राई होने चाहिए। फ्राई होने के बाद में इन्हें निकाल लेंगे, जो बाकी के बचे हुए करेले हैं उन्हें भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से, इस ट्रिक से आप अगर बनाएंगे ना करेले को, कभी भी कड़वे नहीं लगेंगे। अब हमने देखे दूसरे जो बचे हुए थे ना करेले बाकी, वो भी डाल दिए हैं, मतलब फ्राई कर लिए। देखिए फ्राई करने पर बिल्कुल ये सॉफ्ट है, मतलब हार्ड नहीं है और ना ही ज़्यादा जले हैं। जले हुए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना क्या होगा, ये कड़वा सा टेस्ट आएगा। अब देखिए जो बाकी का बचा हुआ तेल है ना, अब उसमें हम डालेंगे जीरा। जीरा जब अच्छी तरीके से चटक जाएगा, अब हम डालेंगे इसमें प्याज। देखिए मैंने प्याज को भी लंबा करके इस तरीके से कट किया है। आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे मैंने काटे हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाइएगा, करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। जिसे भी एक बार खिला देंगे ना, बस खाता ही रह जाएगा, मतलब आपके करेलों का दीवाना हो जाएगा। और इस तरीके से जब आप इसे तेल के साथ में अच्छी तरीके से प्याज को भूनेंगे, इसी के साथ मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च को भी, क्योंकि हरी मिर्च भी अच्छी तरीके से प्याज के साथ में पक जाएगी। और इन्हें ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इनका जो खुशबू होती है ना, मतलब स्मेल होती है, उसे निकालना है। अब इसी के साथ मैंने डाला यहाँ पे हल्दी पाउडर, इसी के साथ मैं डालूँगी लाल मिर्च। देखिए मिर्च अपने हिसाब से, हरी भी ऐड कर सकते हैं और लाल भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हमने भूनते समय भी डाला था, तेल करेले को फ्राई करते समय थोड़ा सा हींग डाला है। हींग जरूर डालिएगा करेले के अंदर, तभी मज़ा आता है। इसी के साथ मैंने लिया है ये धनिया सौंफ का मोटा कुटा हुआ मसाला, मतलब मैंने पहले ही कूट करके रखा हुआ था। मेरे यहाँ पर करेले अक्सर बनते हैं तो मैं इसलिए पहले ही कूट करके रख लेती हूँ। ये देखिए अच्छे तरीके से मिलाने के बाद में मसाला कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए ज़्यादा नहीं भूनना है, और तेल देखिएगा आप इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इतना तेल हमने डाला ही नहीं। ऊपर से जब ये प्याज भुन जाएगा ना हल्का हल्का, प्याज भी थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं होनी चाहिए। और इसी के ऊपर हमने डाल दिए हैं करेले। करेले और प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये। और इसी के साथ मैं डालूँ थोड़े खट्टे के लिए अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें हल्का सा, मतलब 1/2 टीस्पून चाट मसाला डाल सकते हैं, या फिर इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास में खट्टा कोई अचार है ना, जैसे कि आम का अचार या और नींबू का अचार, मतलब नींबू को मत डालिएगा, आम का डाल दीजिएगा। आम का अचार सबसे बेस्ट रहता है करेलों के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैंने अमचूर पाउडर डाला है और इसे अच्छे तरीके से पकने दिया है। देखिए चलाते हुए अच्छे तरीके से भूनेंगे ना, तो ये जब नीचे से अच्छी तरीके से पकते हैं ना, तो इनका जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब ये देखिए मैंने चलाते हुए इस तरीके से ये पका लिए हैं, ये देखिए मतलब खिले खिले हैं, ऐसे भी नहीं कि चिपके चिपके ये टूटे हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं और सॉफ्ट इतने हैं। अगर आप एक बार इन्हें खा लेंगे ना बना करके, फिर बार बार आप यही बनाना पसंद करेंगे। चलिए करेले हमारे बन करके तैयार है, अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। देखिए एकदम खिले खिले करेले हमारे बन करके तैयार हुए हैं। अभी से आप पराठे के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ, किसी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप सफ़र में जा रहे हो या बच्चों के टिफ़िन में अगर देना हो तो इस तरीके से आप बना करके रख सकते हैं। और आप बाहर जाएंगे तो बाहर ये ऐसी चीज़ है, मतलब कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, आप सफ़र में भी इसको ले जा सकते हैं। जैसे कि ग्रेवी वाली कोई सब्जी ले गए, उसी के साथ में ये सूखी सब्जी भी ले जा सकते हैं। चावल, दाल चावल हैं, उसी के साथ में इसको भी खा सकते हैं। तो ये कई तरीके से काम आता है। इसे आप अच्छी तरीके से पका करके, भून करके रख लीजिए, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और अगर आप एक रोटी खाते हैं ना, तो इन करेलों से आप 2 रोटी एक्स्ट्रा ही खाएंगे, इतने मज़ेदार हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा।